In continuation with our first lecture of input devices, we will come to another topic, that is output devices. As we all can see here, there are output devices in this screen. This is microphone. This is web camera. These are speakers. This is monitor. This is printer. This is headphone. This is also a printer, and this is a monitor. You are familiar with almost all of these devices. What is the function of output devices? As we all know, output devices are used to display the processed information. The information that has been processed by the computer. जैसे हमने computer को कुछ जो है यहाँ से input दिया, computer ने उस input को process किया, अब उस processed information का output हमें मिलेगा using these output devices. Depending upon our requirement, depending upon our kind of output, any of the output devices can be used. जैसा हमारा output होगा वैसा ही device हम use करेंगे. अगर हमें उसको print करना होगा, we will print it. अगर वो ऑडियो आउटपुट होगा तो हम स्पीकर से उसको सुनेंगे. अगर वो डिस्प्ले होना होगा तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं हम. वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, वेब कैमरास एंड डिफरेंट थिंग्स फॉर द काइंड ऑफ द आउटपुट. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल. दिस इज Following are some of the important output devices used in a computer: monitors, graphic plotters, printers, and speakers. What are monitors? Monitors are commonly called as visual display units. These are the main output devices of a computer. It forms image from tiny dots called pixels that are arranged in a rectangular form. The sharpness of the image depends on the number of pixels. मॉनिटर डिवाइस से आप सब फेमिलियर होंगे. वी ऑल हैव मॉनिटर्स अटैच्ड टू आवर कंप्यूटर सिस्टम जनरली. मॉनिटर पे क्या होता है? मॉनिटर पे विजुअल डिस्प्ले जो होता है वो आता है हमारे कंप्यूटर का. जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी उसका जो है विजुअल आउटपुट हमें मिलता है ऑन मॉनिटर. इस ये मॉनिटर कैसे काम करता है? ये इमेज बनाता है, टाइनी डॉट्स होते हैं इसमें जिनको कि पिक्सल्स कहा जाता है. वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं इसी विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे. मॉनिटर्स को विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स भी कहा जाता है. अब जो ये इमेज है इसकी क्लैरिटी, इसकी शार्पनेस डिपेंड करती है कितने पिक्सल्स हमारा मॉनिटर सपोर्ट कर रहा है. जितना ज़्यादा इसका पिक्सल जो काउंट होगा उतनी हमारी इमेज जो है वो शार्प होगी. जनरली हम दो टाइप्स के मॉनिटर्स यूज करते हैं, कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स. दिस इज CRT. यू मे बी फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ मॉनिटर और यू मे नॉट. जनरली जो है ये यूज होते थे विद कंप्यूटर्स. ये CRT डिस्प्लेज जो है दे आर मेड ऑफ स्मॉल पिक्सल्स. जितने ज़्यादा और स्मॉलर द पिक्सल्स द बेटर द इमेज क्लैरिटी और रिजोल्यूशन. जैसे हमारे पास एक लेटर ई है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स इसको डिस्प्ले करने में लगेंगे, जितने स्मॉल पिक्सल्स होंगे उतना ही ये ई जो है क्लियर आएगा. अ फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन. द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ कैरेक्टर बॉक्सेस एंड एवरी कैरेक्टर बॉक्स हैज अ फिक्स्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन वायर दैट स्टैंडर्ड कैरेक्टर कैन बी डिस्प्लेड. मॉनिटर स्क्रीन्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग 80 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली एंड 25 लाइंस वर्टिकली. 80 कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली और 25 लाइंस वर्टिकली CRT मॉनिटर्स डिस्प्ले कर सकते हैं. इन CRT मॉनिटर्स के जनरली कुछ जो है डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से ये मार्केट में आजकल ज़्यादा नहीं है. हमारे पास CRT मॉनिटर्स कम हो रहे हैं, अब हम फ्लैट पैनल ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं. इसका जो मेन डिसएडवांटेज था दैट वाज इट वेयर लार्जर इन साइज. हैवी भी थे उठाने के लिए और लार्ज भी थे साइज में और हाई पावर कंजप्शन था इनका. अनदर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग CRT वाज इट पुट स्ट्रेन ऑन योर आईज. क्योंकि ज़्यादा पिक्सल काउंट नहीं होता था तो आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ता था इसकी ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज. देन कमिंग टू फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर. दीज आर द काइंड ऑफ मॉनिटर्स विच वी आर यूजिंग प्रेजेंटली. दीज फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम. आप देखते हैं कि इसका जो है इसकी जो विड्थ है वो कम है, कम जगह लेते हैं ये, इनका वेट कम है और पावर रिक्वायरमेंट भी CRT के कंपेरिजन में कम है.
You can hang them on walls, like we all have televisions nowadays that we hang on our walls, or you can wear them on your wrists. We have watches that are enabled with flat panel displays also. We have laptop computers, we have video games, calculators, and a lot of tablets, graphic display devices, or simply we can look at our smartphones. वो भी जो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही यूज करते हैं. दिस फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज फर्दर. वन इज इमिसिव डिस्प्लेज. इमिसिव डिस्प्लेज आर डिवाइसेज दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट. फॉर एग्जांपल प्लाज्मा पैनल एंड एलईडी डिवाइसेज, लाइट इमिटिंग डायोड्स, दीज आर कॉल्ड इमिसिव डिस्प्लेज. अनदर कैटेगरी इज नॉन इमिसिव डिस्प्लेज दैट यूज ऑप्टिकल इफेक्ट to convert sunlight or light from some other source into graphical pattern. That means it does not use like emissive displays are use converting electrical energy. Non-emissive are using optical effects to convert light from some one source to graphic pattern. In this category we have LCD devices, liquid crystal devices. These are very popular nowadays. Now coming to another category of output devices that we are familiar with, that is printers. When we need any kind of printed output from a computer, we use printer. जब भी हमें printed format में output चाहिए होता है computer से, तब हम जो है printers use कर सकते हैं as output devices. Paper पे जब भी information print करनी हो, we use printers. But then we have lot of variety of printers and there are different categories of printers जो कि हम यूज कर सकते हैं. मेन टू कैटेगरीज आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या करते हैं, दे प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन अ रिबन व्हिच इज देन प्रेस्ड ऑन द पेपर. इम्पैक्ट पेपर्स क्या होता था कि ये प्रेस करते थे अगेंस्ट द इंक रिबन जो होता है उसके साथ में पेपर को प्रेस करते थे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इम्पैक्ट कैरेक्टर्स गॉट प्रिंटेड ऑन द पेपर. Characteristics of these impact printers are as following. They are very low cost printers, but they are very noisy. वो जैसे strike करते हैं, जैसे typewriter strike करता है paper के साथ में, वैसे ही उसकी आवाज आती है टक टक, वैसे ही impact printers की भी आवाज आती है. They are useful for bulk printing due to low cost. क्योंकि cost कम है तो bulk printing के लिए they can be used. There is a physical contact from paper to produce an image. Physical contact से ही image जो है वो प्रोड्यूस होती है. दीज प्रिंटर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैरेक्टर प्रिंट्स और होते हैं लाइन प्रिंटर्स. सॉरी, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स. व्हाट आर कैरेक्टर प्रिंटर्स? एज द नेम सजेस्ट्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम. जैसे टाइपराइटर एक एक कैरेक्टर जो है एट अ टाइम इसमें प्रिंट हम कर सकते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. वन इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड अनदर इज डेजी व्हील प्रिंटर. These all are impact printers, dot matrix printer, daisy wheel printer, drum printer, chain printer and line printer. Dot matrix printer, here you can see dot matrix printer. We have a punched paper as an input to this device. These printers are very popular because of ease of printing and economic price. Each character is printed in the form of dots. पहले वो dot 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 से किसी भी character को form करता है, instead of a continuous image of a character. Each character is printed in the form of pattern of dots and head consists of a matrix of a. यहाँ जो जैसे आप देख सकते हो matrix of prints यहाँ पे लगी हुई हैं 5x7, 7x9, 9x7, 9x9 इस size के. Which come out to form a character, that is why it is called a dot matrix printer. क्योंकि image form होती है of small dots that are joined together, इसीलिए इसको dot matrix printer कहते हैं. इसका advantage है कि it is very inexpensive, it is widely used because of its low cost incarnation. Other language character printers can be printed. इसमें जो है English के बगैर और भी language characters जो है print हो सकते हैं easily. Disadvantages ये हैं कि this is very slow because it is a character printer. It prints a single character at a time and poor quality because dots continuous image नहीं print होती है. Particularly images figures जो है वो इसपे high quality की नहीं print होती है. Now coming to another printer, that is it is also a character printer. This is daisy wheel. That means it prints a single character at a time. This is not as popular as dot matrix printer.
Head is lying on wheel and pins corresponding to characters are like petals of daisy. As you can see, daisy flower की तरह ये जो wheels and pins है वो connected है. That is why it is called a daisy wheel printer. These printers are generally used for word processing in offices that require a few letters to be sent here, there. With very nice quality. इसकी quality dot matrix printer से ज़्यादा अच्छी होती है. It is more reliable than dot matrix printer. And font जो होते हैं characters के that can be easily changed in this daisy wheel printer. ये generally ऐसे offices में use होते हैं जहाँ कभी कभार कोई letter print होती है. But these are more expensive than dot matrix printers. These are also noisy because these are impact printers. Printing होती है with impact. So these are also noisy. They make noise. They are slower than DMP. ये dot matrix printers से भी ज़्यादा slow होते हैं. Then we are coming to another category of printers. As we have seen, dot matrix printers and daisy wheel printers both are character printers. They print single character at a time. Now we are coming to another category, that is line printers. As the name suggests, line printers क्या करते हैं? ये एक-एक line print करते हैं at a time. Single character नहीं, पूरी एक line, फिर दूसरी line, फिर तीसरी line, likewise. ये भी दो types के होते हैं. One is drum printer, another is chain printer. जो drum printer है ये ड्रम की तरह शेप में होता है तभी इसको ड्रम प्रिंटर कहा जाता है. द सरफेस ऑफ ड्रम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रैक्स. टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ द पेपर. इसका मतलब अगर पेपर की विड्थ 132 कैरेक्टर्स है तो इसके ट्रैक्स भी 132 होंगे. कैरेक्टर सेट इज एम्बॉस्ड ऑन अ ट्रैक. एक-एक कैरेक्टर सेट एक-एक ट्रैक पे जो है वो एम्बॉस होता है. डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर 48 कैरेक्टर सेट, 64 एंड 96. इससे ऊपर नहीं होते हैं. वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स मानना है. एक रोटेशन जो ड्रम की होती है उसके बाद पूरी एक लाइन प्रिंट होती है. ड्रम प्रिंटर्स जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर्स से फास्ट होते स्पीड में. ये 300 से 2000 लाइन तक पर मिनट में जो है वो प्रिंट कर सकते हैं. दे आर वेरी हाई स्पीड, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट कैरेक्टर फॉन्ट्स कैन नॉट बी चेंज. इसमें कैरेक्टर फॉन्ट्स जो है वो चेंज नहीं किया जा सकते. नाउ कमिंग टू द चेन प्रिंटर्स, दीज आर ऑल्सो लाइन प्रिंटर्स, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस फुल लाइन. In this printer, chain of character sets is used, hence it is called a chain printer. इसमें chain character sets की use होती है, इसीलिए इसको जो है chain printer कहते हैं. Standard character set में भी 48, 64 और 96 characters. इसमें हम characters को easily change कर सकते हैं fonts. Different languages can be used with the same printer. We can use different languages. Disadvantages are that it is noisy because it's impact printer. Now we are coming to the future generation or current generation printers that we generally use in our offices or in our homes, that is non-impact printers. आजकल जो हम use करते हैं, mostly we use non-impact printers. Non-impact printers होते हैं जो कि ribbon use नहीं करते हैं. ये जो printers होते हैं, ये पूरा एक page at a time जो है print कर सकते हैं. इनको जो है page printers भी कहा जाता है. That means ये character character या line line print नहीं करते, पूरा एक page जो है वो print करते हैं. ये भी दो कैटेगरीज के होते हैं, एक है लेजर प्रिंटर, अनदर इज इंकजेट प्रिंटर्स. कॉमनली नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रिंटर्स. दे आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दैट मींस दे आर नॉट यूजिंग रिबन, दे आर नॉट यूजिंग इम्पैक्ट ऑफ अ कैरेक्टर. टाइपराइटर की तरह इम्पैक्ट से जो है प्रिंटिंग नहीं होती है. सो दे आर लेस नॉइजी. और ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स से फास्ट भी होते हैं क्योंकि ये पूरा एक पेज जो है एट अ टाइम प्रिंट कर सकते हैं. दे आर वेरी हाई क्वालिटी डिवाइसेस और बहुत सारे फॉन्ट्स को कैरेक्टर साइज को सपोर्ट करते हैं, बट दे आर मोस्टली एक्सपेंसिव. दिस इज लेजर प्रिंटर. यू कैन सी दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स. दे यूज लेजर लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज. इसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत हाई स्पीड होते हैं, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी. इट कैन सपोर्ट मेनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइजेस. डिसएडवांटेज इट्स एक्सपेंसिव, कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज of a document in a single printing, multiple copies के लिए use होता है. Inkjet printers, these are the most commonly used printers nowadays. Inkjet printers are non-impact, ये भी non-impact होते हैं, इसलिए less noisy होते हैं. They are based on a relatively new technology, नई technology पे ये जो है, इसमें जो क्या होता है, इसमें characters produce होते हैं, print होते हैं by spraying a small drops of ink on a paper. इसीलिए इनको jet प्रिंटर्स, इंक जेट प्रिंटर्स कहा जाता है. जेट की तरह ये स्प्रे करते हैं इंक को पेपर पे, जो कि रिक्वायर्ड हमारा डिस्प्ले होगा. इंक जेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर्स. दे आर लेस